हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार आलू की कटलियाँ। उसके लिए सबसे पहले हमने आलू लिए, उसको छील लिया और धो लिया। उसके बाद आलू को अच्छी तरह काट लिया। उसके बाद हमने ऑयल लिया। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें हमने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा जब तक अच्छी तरह फ्राई नहीं होता हम इसे हिलाएंगे, और जब ये पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ज़ीरा हमारा, जब हमारा ज़ीरा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को ऐड करने के बाद हम इसे हिला देंगे ताकि नीचे से आलू हमारे लगे ना। जब आलू को हम हिला देंगे फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, फिर चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, उसके बाद गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड करेंगे और काली मिर्च ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड करने के बाद उसे हिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम टमाटर और आलू को थोड़ा सा हिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे उसके बाद हम इसे ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। जब हम इसे इसका ढकना हटाएंगे फिर हम इसको टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। अच्छी तरह से हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद जब हमारा टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से बन जाएगा तो हम इसे आलू के साथ मिक्स कर देंगे। हम आलू के साथ मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए और दम दे मतलब ढक देंगे ताकि जो आलू थोड़े से कच्चे रह गए वो कच्चे ना रहें, और हमारी मज़ेदार आलू की कटलियाँ रेडी। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा।